फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन की एक ट्रिक के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। 50C48 जो है, तो हमें एक फार्मूला पता होता है, NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करने के लिए। 50C48 को हम छोटा करके लिख सकते हैं, 50C248 माइनस कर देंगे इसमें से। अब इसको दो बार ऊपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जान देंगे। यदि यहाँ 2 है तो 50 और 49 आएगा, यदि यहाँ 3 है तो 50, 49, 48, यदि यहाँ 4 है तो 50, 49, 48, 47 और इसी तरीके से चलेगा। यहाँ हो जाएगा 2 into 1, ठीक है, ये इसको काटेगा 25 into 49, 25 को 49 से मल्टीप्लाई करके हमको आंसर आएगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ 10C7 है, इसे अब लिखेंगे 10C3, 10 में से 7 माइनस कर दिया। अब इसको 10, 9, 8, 3, 2, 1, 3 के टेबल में ये गया 3 बार, 2 के टेबल में गया 4 बार, 4, 3, 12 into 10, 120, और ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 100C98 दिया हुआ है, इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करते हुए इसको 2 करके 100 into 99 और नीचे 2 into 1, और इसको इसमें कट कर देंगे 50, 9 5 45, 5 7 4 45 और 4 9 50 इसका आंसर है। तो विद इन नो टाइम आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान में ये रखना है कि NCR जो होता है वो NCN माइनस R होता है। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त ट्रिक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और क्वेश्चंस और ट्रिक्स लेकर आपके लिए आ सकूँ। थैंक यू।